कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अब कैसा लग रहा है? अब तो और ज्यादा अच्छा लग रहा है। अरे डॉक्टर ज्योति, आप यहाँ पर? अरे बेटा, वो जो पहले वाला डॉक्टर था ना, चोर था वो, लूटता था हमें, और उसका इलाज भी अच्छा नहीं था। ये नई डॉक्टर जो आई है ना, बहुत अच्छी है ये, और मेरा बहुत ख्याल रखती है। अब बेटा फिक्र मत करो, मैं अब जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अच्छा पापा, वैसे ये डॉक्टर ज्योति हैं और ये मेरे स्कूल की बहुत अच्छी दोस्त हैं, और इनफैक्ट पापा पढ़ाई में ही बहुत अच्छी थी, और आज देखो इनसे बढ़िया डॉक्टर भी नहीं है। ज्योति जी, आपने पापा को एक बार ठीक से देख लेना, डॉक्टर्स ने बोला है कि उनका ऑपरेशन होगा, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, मैं आपके पापा को अच्छे से चेक कर लूंगी। ठीक है ज्योति जी। अच्छा पापा, मैं ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ, ठीक है? ओके बाय बाय पापा। अब तो आपका बेटा भी चला गया, वैसे आप मुझे एक बात बताइए कि आप सचमुच में बीमार हैं या फिर बीमार होने का नाटक कर रहे हैं? अरे ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हें ये सब बुरा तो नहीं लगा मेरा छूना? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। इनफैक्ट जब आप मुझे छू रहे थे तब मुझे बहुत ज्यादा। अरे रुको रुको, एक सेकेंड रुको, वो घर का नौकर रामू है ना, वो कहीं आ ना जाए तो हमें बहुत डिस्टर्ब करेगा वो, मैं उसे कहीं काम में लगा देता हूँ। अरे हाँ रामू, देखे काम करियो, तू सुपरमार्केट जाके ना सारा सामान ले आइयो घर का, और हाँ शाम तक आना, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? अच्छा फिर चले। तो डॉक्टर ने इलाज शुरू करना है कि नहीं? हाँ हाँ, मैं तो कब से तैयार हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझसे सही में प्यार करती हो या मेरी दौलत से प्यार करती हो? अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं? हाँ सचमुच में मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और आपको तो पता ही है ना कि मैं भी शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड वो मेरी कोई भी ख्वाहिशें पूरी नहीं करते हैं, कोई सपने पूरे नहीं करते हैं मेरे, और जो मेरा खुद का क्लिनिक है वहाँ पर भी मेरे जान पहचान के ही लोग आते हैं, तो बस मैं आपसे एक हेल्प चाहती हूँ, छोटी सी हेल्प। आप मुझे 15 लाख रुपये दे देंगे ना? 15 लाख रुपये? अरे 15 लाख तो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप नहीं दे सकते तो बोल दीजिए। अरे वो पैसे ना मैंने अपने बेटे के लिए रखे हैं, उसको गाड़ी खरीदनी है। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, गाड़ी तो आपका बेटा खुद से भी तो खरीद सकता है ना, और आप उसे बोल देना ना कि पैसे कहीं चोरी हो गए या फिर कहीं खो गए, और वैसे भी मैं आपके पैसे हमेशा के लिए थोड़ी ना रख रही हूँ, मैं आपको धीरे धीरे करके सारे पैसे चुका दूंगी ना। अच्छा तो सही में पैसे लौटा दोगी मेरे? चलो ठीक है फिर, मैं पैसे लेके आता हूँ। ये लो, ये 50,000 है, बाकी के पैसे मैं तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा। ठीक है फिर मैं चलती हूँ। अरे तुम जा रही हो? तुम पैसे लेने आई थी या किसी और काम से आई थी? अरे हाँ ठीक है फिर आ जाओ। क्यों काम हो गया? तुम्हें ये तो याद ही होगा ना बुड्ढे। कैसे याद होगा, तुझे याद है मैं तेरे घर में तेरा इलाज करने आया था, तू बैठ करके पैसे गिन रहा था, तू किचन में गया और जब वापस आया तो तूने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया, मुझे थप्पड़ मारा। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि तुझे मैं सबक सिखाऊंगा, और देख मैंने एक प्लान बनाया और तू उस प्लान में कैसे आसानी से फंस गया। अब अगर तू सीधी तरीके से 15 लाख रुपए देता है मुझे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, वरना मैं पूरी सोसाइटी के आगे ये कहूंगा कि तूने एक लड़की की इज्जत पे हाथ डाला, फिर तेरी सोसाइटी में तो नाक कटी जाएगी और साथ ही साथ बहुत लंबी जेल होगी तुझे, समझा? अच्छा क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हें छेड़ा है? प्रूफ बुड्ढे, जब तू मुझे छू रहा था ना तब मैंने उसकी वीडियो बना ली थी, क्या वो वीडियो मैं तेरे बेटे को दिखा दूं? बता। देखो ऐसा मत करो। अगर तू नहीं चाहता कि मैं वो वीडियो तेरे बेटे को दिखाऊं तो चुपचाप से पैसे निकाल, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा ना? वाह डॉक्टर साहिबा, दवाई दी जा रही है क्या कमरे में? वो एक्चुअली क्या है ना कि आपके पापा की ना थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी तो मैं बस वही देख रही थी। अच्छा
आपका कोट कहाँ पर है? वो कोट, वो एक्चुअली गर्मी लग रही थी ना, तो इसलिए निकाल दिया। अपने कोट के साथ साथ शर्म भी हटा दिया क्या आपने? ये क्या बोल रहे हैं आप? बताता हूँ, पापा ने मुझे परसों ही बता दिया था कि उनके साथ कैसे पेश आया जा रहा है, आप किस तरीके की नजरों से पापा को देखती हैं, और तभी मैंने पापा को बोल दिया कि इस पर अपनी नजर रखो, और जैसा हमने सोचा वैसा ही हुआ। क्यों पापा? ये सब हम दोनों का प्लान था तुम्हें फंसाने का। बस फिर क्या, पापा ने तुम्हें छुआ और तुम खुद ही बहल गई। हमसे बदला लेने के लिए तुमने इतना गंदा प्लान बनाया, छी। और तुम्हें इस वर्दी का बहुत ज्यादा घमंड है ना, ये सारी वर्दी उतर जाएगी और तुम्हें तो तब पता चलेगा जब तुम्हारा हॉस्पिटल भी सील हो जाएगा। सॉरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, और प्लीज पुलिस को मत बुलाना। पुलिस को ना बताओ, चलो पुलिस स्टेशन, और हाँ तुम भी चलो। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, प्लीज। मैंने कहा चलो, और तुम्हें तुम दोनों को मैं सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। चलो ये पैसे दिलाओ।